वीडियो में हम लोग देखेंगे थोड़ा और प्रीफिक्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कमेंट्स क्या, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कोड लिखने के पहले एक और स्टेप होता है, कुछ जानना होता है, जैसे हेडर फाइल जानना था, एक और चीज हम लोग सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मेन फंक्शन के बारे में। चलो मेन से डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है? सी में कोडिंग कर रहे हो, सी प्लस प्लस में कर रहे हो, जावा में कर रहे हो, आपको ये वर्ड जरूर दिखेगा पक्का, ठीक है। तो मेन होता क्या है? मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी प्रोग्राम। आप अपने घर में कहां से घुसते हो, आप अपने बिल्डिंग में कहां से घुसते हो, बिल्डिंग का एक गेट होता है, घर का एक गेट होता है ना, वहीं से घुसते हो ना। थोड़ी ना अगर बिल्डिंग में जाना है तो फिर बिल्डिंग मतलब अगर आपको जैसे कि फिफ्थ फ्लोर पे जाना है, सीधा थोड़ी ना छत पे लैंड करोगे, या फिर सीधा चार तल्ले पे लैंड किया फोर्थ फ्लोर पे सीधा, उसके बाद हम लोग सुपरमैन तो है नहीं, है ना, स्पाइडरमैन तो है नहीं हम लोग। तो क्या करते हो आप लोग कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे जाओगे, बिल्डिंग में घुसोगे, उसके बाद लेफ्ट या सीढ़ी से यूज करके यू विल क्लाइंब टू द फोर्थ फ्लोर और द फिफ्थ फ्लोर और व्हाटएवर, ओके। सो मेन इज दैट पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम जहां से आपका मतलब जहां से आपका कंट्रोल एंट्री होता है, मतलब एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम बोल सकते हो, सिंपल सा बात, ठीक है ना। कि भाई मेरा प्रोग्राम अब मैं इसके अंदर जो भी लिखूं ना, मैंने ब्रैकेट क्यों डाला अभी नहीं समझ में आएगा, समझने का जरूरत नहीं है। अब मैं इसके अंदर जो भी लिखूं ना तो मेरा प्रोग्राम यहां से एग्जीक्यूट होना चालू हो जाता है, समझ में आया। मेन एक एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम है। मैंने ये ब्रैकेट क्यों डाला ये भी आपको आई थिंक नहीं समझ में आएगा, इट्स ओके। अब देखो इसके पहले आपके माइंड में अगर आपने पिछले वीडियो देखी होगी तो फिर मैंने लिखा था कि भाई सी में सी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, हैश इंक्लूड सपोज stdio.h मैंने लिख दिया था, है ना, stdio.h। तो एंट्री पॉइंट तो यहां से होना चाहिए। नो, एंट्री पॉइंट यही होता है। पहले क्या होता है कि कंपाइलर क्या करता है ना कि जैसे ही मेन के अंदर आया, पहले कंपाइलर एक्चुअली ढूंढता ही कि अच्छा मेन कहां है, मेन कहां है, जैसे उसको मेन दिखता है एंट्री पॉइंट वो मतलब यहां पे आ गया, हां उसको मेन दिख गया वो यहां पे आ गया। अब उसके बाद एंट्री किया, एक मिनट के लिए सारे कंपाइलेशन रुक जाएगा, हाँ मतलब सारे जो भी कंपाइलेशन हो रहा है सब रुक जाएगा। अब होगा क्या कि प्री प्रोसेसर क्या है कि पहले सारी फाइल्स इंक्लूड कर लेगा। प्री प्रोसेसर क्या करेगा कि जाएगा सारी फाइल्स, मतलब प्री प्रोसेसर देखेगा कि ऊपर में आपने क्या क्या करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो वो सारी फाइल्स इंक्लूड कर देगा, माइक्रो वगैरह डिफाइन कर देगा, जो भी कमेंट वगैरह वो सब रिमूव कर देगा, वो सब अभी बताऊंगा, ठीक है ना। बट एंट्री ऑफ द प्रोग्राम यही होता है, एंट्री पॉइंट यही होता है, ठीक है ना। अब देखो ये मेन है क्या, एंट्री पॉइंट तो है ये तो समझ में आ गया होगा। अगर इसको मैं और सही से बोलूं ना तो मेन एक बेसिकली फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आपको कंप्यूटर टर्म यूज कर दिया समझ में नहीं आएगा, इट्स ओके। देखो फंक्शन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड जो कि एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करे, समझ में आया। तो मेन एक पर्टिकुलर, अब एक जैसे कि देखो ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ ब्लॉक है, अब इसके अंदर एक कुछ भी कोड लिख दो, ठीक है ना, तो ये फंक्शन कहलाएगा। फंक्शंस को भी डिफाइन करने का तरीका होता है कि हाँ अब मतलब तरीका होता है कि भाई फंक्शंस को भी कैसे पहचाने, कैसे लिखा जाए, उनका कुछ सिंटैक्स होता है, ठीक है। मेन एक फंक्शन है, हाँ, जहां से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। और भी कोई हमारे पास फंक्शन होता है? यस, कई टाइप के फंक्शन, आपको कई सारे फंक्शन दिख जाएंगे, ठीक है ना। जैसे अभी मैं इसके बाद जो सबसे पढ़ाऊंगा बिल्ट इन फंक्शन दिखाऊंगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन दिखाऊंगा। बिल्ट इन फंक्शन मतलब जो ऑलरेडी सी में प्रेजेंट है, हाँ, जैसे कि इसके अंदर कुछ फंक्शन है जो बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है ना। तो मेन क्या होता है भाई, सबसे पहले तो जान लो कि एक फंक्शन है व्हिच इज कॉल्ड द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। इसके अंदर कुछ-कुछ कोड लिखा होगा, ठीक है ना, इसके अंदर कुछ-कुछ कोड लिखा रहता है, वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। अब देखो आप चाहे सी में करो कोडिंग चाहे सी प्लस प्लस में, मेन के आगे जरूर एक ना एक वर्ड लिखा रहेगा पक्का। मेन के आगे यहां पे कुछ ना कुछ जरूर लिखा रहेगा, जनरली के मतलब जावा में देखोगे तो फिर वो वॉइड दिखेगा आपको यहां पे। जावा में देखोगे आपको यहाँ पे और दो वर्ड दिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। मैं सिर्फ अभी वॉइड के बारे में बताऊंगा, पब्लिक स्टैटिक इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप दो तीन वीडियो बाद देखोगे ना जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ऊप्स क्या होती हैं, तब आपको समझ में आएगा अच्छा हाँ क्या होता है ये, पब्लिक क्यों लिखा जाता है, स्टैटिक क्यों लिखा जाता है। फिलहाल के लिए समझो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा जाता है जावा में। सी में देखोगे तो फिर यहाँ पे इंट लिखा जाता है, सी प्लस प्लस में भी देखोगे तो यहाँ पर इंट लिखा जाता है, समझ में आया। इंट क्या होता है, इंट बता रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले बस जान लो कि देखो मेन है, मेन के आगे एक वर्ड होता है, वॉइड हो सकता है या फिर इंटीजर होता है, इंट हो सकता है, डिपेंड्स की भाई मतलब डिपेंड्स की आप क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, ठीक है ना। इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी और चीज बताना चाहता हूँ, मेन के संग एक और चीज एसोसिएटेड होती है, रिटर्न स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट आपको दिख जाएगी, ठीक है ना, रिटर्न स्टेटमेंट जरूरी रहेगी। पहले इसको समझ लेते हैं, आपकी मम्मी ने आपको भेजा कि जाओ सामान लेकर आ जाओ, तो आपकी मम्मी भेजी आपको सामान लाने के लिए, ठीक है।
आप रिटर्न तो करोगे ना, आपकी मम्मी ने कॉल करके, आपकी मम्मी आपको बुलाएगी तो कॉल करके कि हाँ एक काम करो इतने इतने सामान ले लिए अब तू वापस आ जा, ठीक है ना। आपकी मम्मी कॉल करके पूछेगी, या फिर आप वापस तो आओगे ना, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि भाई सामान लेने चलेगा बस वहीं पर बस हो गया, नहीं आना घर नहीं आना वापस, ऐसा तो होता नहीं है। आप रिटर्न तो करोगे। तो ऐसा समझो जब आपकी मम्मी ने आपको सामान लेने भेजा तो आप यहाँ पे थे, ठीक है ना, ठीक है यहाँ पर थे, और यहाँ से दुकान वाइज हर दुकान वाइज ऐसे घूम रहे हो घूम रहे हो घूम रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे आपका सारा सामान जो आपने लेना था आपको लेना था खत्म, मतलब आप ले चुके हो सारा। अब आपको क्या करना होगा, अपने आपको अपने घर लौटना होगा, है कि नहीं। प्रोग्रामिंग सेम टू सेम होता है, यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा, यहाँ पर जो भी काम करना होगा, लेट अस से कि यहाँ पर ए प्लस बी करने बोला गया है, अब आप चलो ठीक है फाइव प्लस थ्री करने बोला गया है, यहाँ पर फाइव मल्टीप्लाइड बाई थ्री करने बोला गया है, यहाँ पर फाइव डिवाइडेड बाई थ्री करने बोला गया है, सारे काम खत्म। मेन के अंदर जो भी काम था काम खत्म हो गया। इसके बाद आपका प्रोग्राम रिटर्न भी तो करेगा, प्रोग्राम कह रहा हूँ आपका ये जो कंट्रोल है, कंट्रोल एज इन की मतलब जो इस लाइन को एग्जीक्यूट किया वो कंट्रोल, जो इस लाइन को एग्जीक्यूट किया जो इस लाइन को एग्जीक्यूट किया। अब जब सारे काम खत्म हो गए तो भाई अब रिटर्न तो करना पड़ेगा ना, जैसे आपने रिटर्न किया अपने घर, तो वैसे प्रोग्राम को भी एंट्री पॉइंट है तो उसको वापस भेज दो उसके एंट्री पॉइंट पे, है ना। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट सिग्निफाइज कि हाँ अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, अब तुम वापस चले जाओ जहां से आए थे, अब तुम वापस चले जाओ। समझ में आया रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट इज द मतलब लास्ट स्टेटमेंट, शुड बी द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ एनी प्रोग्राम। जैसे ही कंपाइलर को दिखता है ना, अब ये कंपाइलर मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, ठीक है ना, ये सारे काम ये एग्जीक्यूशन चेकिंग वगैरह सब कंपाइलर ही करेगा, ठीक है ना। जैसे कंपाइलर को दिखेगा ओके रिटर्न है यहाँ पर, हाँ वो इसके नीचे जो भी आप लिख दोगे ना, इसके नीचे आप लिख दोगे कि मतलब इसके नीचे आप लिख दो 2+4, वो चेक ही नहीं करेगा, ठीक है ना, वो उसको देखना ही नहीं है, ठीक है। जैसे ही इसको रिटर्न स्टेटमेंट देगा वो भाग जाएगा अपने मेन के पास वापस। समझ में आया। रिटर्न स्टेटमेंट दो तरीके से आपको दिख सकते हैं, दो वैराइटीज में आपको दिख सकते हैं, रिटर्न 0 सबसे कॉमन, या फिर खाली रिटर्न दिख सकते हैं। मैं बताऊं void जब आप लिख रहे होगे ना, हाँ अच्छा एक और बात बता देते हैं कि main है, suppose जैसे कि main है, कोई और भी function हो सकता है, suppose एक function बनाने का rules, set of rules and regulations होता है। मान लो एक मैंने function बना दिया high नाम से, ठीक है high नाम से एक function बना दिया। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ void suppose, या फिर अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो सोचो कि अगर आप जावा में लिख रहे हो ना void, तो यहाँ पे आपको सिर्फ return लिखना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि जब जब आप void लिख रहे हो तो इसका मतलब होता है कि मैंने प्रोग्राम को कुछ करने के लिए भेजा, अब प्रोग्राम बट कोई वैल्यू लेकर नहीं रिटर्न करेगा। आसान भाषा में समझते हैं, मान लो मैंने आपको कोड करने को दिया कि सुन तू एक काम कर, तू ना चार नंबर, मैं चार नंबर दे रहा हूँ, चार नंबर को ऐड करके बस प्रिंट कर दे। आपका काम क्या है, प्रिंट करना, ठीक है ना, आपका काम क्या है प्रिंट प्रिंट करना। सपोज चार नंबर ये थे 1+2+3+4, मैं नहीं बता रहा कि कैसे प्रिंट होता है, मैं नहीं बता रहा कि कैसे इनपुट लेते हैं, मत जानो अभी फिलहाल के लिए मत जानो, ठीक है। तो आपने उसके बाद एक कोड होता होगा प्रिंट नाम का, मुझे नहीं पता कि क्या कोड करता है, बट हाँ कुछ प्रिंट कर दो। सपोज प्रिंट 1+2+3+4, चलो आंसर लिख देते हैं 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है प्रिंट 10 मान लो, अज्यूम कर लो कि यहाँ पे प्रिंट 10 हो जाएगा। सो आपका काम क्या था बेसिकली, सारे नंबर्स को एडिशन प्रिंट करना। तो ये प्रिंट तो हो गया आपका, देखो यार ये आपका काम तो हो गया, बट आपने जब इसको लेके भेजा था ना, मान लो मतलब आपका जब कंट्रोल मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना जब स्टार्ट हुआ था, तो इसको दिखेगा रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब ये रिटर्न करेगा, तो ऐसी ऑप्शंस होती हैं आपके पास कि आप चाहो तो इसको एक वैल्यू के संग रिटर्न करवा सकते हो, या फिर आप इसको खाली हाथ भी रिटर्न करवा सकते हो। खाली हाथ कब रिटर्न करवाएंगे, वैल्यू के संग कब रिटर्न करवाएंगे, डिपेंड्स, बता रहा हूँ। देखो जब आपको ऐसा कुछ काम हो कि भाई अंदर में प्रिंट कर दो, तो आपका काम क्या प्रिंट करना है, तो आप इसको खाली हाथ रिटर्न करवा दो। बट देखो अगर खाली हाथ रिटर्न करवाना है तो आपको यहाँ पे void लिखना पड़ता है, ठीक है। जावा में आपको दिखेगा public static void में void दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा return, ठीक है। अगर आप C या C++ यूज कर रहे हो ना, तो आपको void नहीं लिखना होता, आप void नहीं लिख सकते वहां पर C या C++ में, आपको int लिखना होगा एंड आपको इसको एक वैल्यू के साथ रिटर्न कराना ही होगा कि ऐसा डिजाइन किया गया है। समझ में, आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू, कोई भी वैल्यू रिटर्न करा दो। मैंने 0 क्यों लिया, मैंने -1 क्यों नहीं लिया, ले सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 9 भी ले सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2.4 मत लेना, बताऊंगा रीजन है। दिस इंट सिग्निफाइज की इंटीजर वैल्यू है ना, तो कोई भी इंटीजर वैल्यू लेके रिटर्न करा दो। अब क्यों ये इंट है, क्यों यहाँ पे डबल नहीं लिया गया, बताया जाएगा धीरे धीरे बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए समझ लो मेन एक ऐसा, मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ माई प्रोग्राम, इसके अंदर जो भी कोड लिखा रहेगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। रिटर्न इज दैट पॉइंट, इज दैट स्टेटमेंट जहां पर मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म,
इसको दो टाइप से मतलब मैं प्रोग्राम को चुका हूँ, तो दो मतलब कंट्रोल जो है ना वो मैं वापस यहाँ पे भेज सकता हूँ दो तरीके से, सिर्फ रिटर्न लिख के और रिटर्न के जगह एक वैल्यू जोड़ दूंगा कि भाई तू एक काम कर, तू नाइन लेके पहुंच जा। अगर ये नाइन लेकर यहाँ पहुंच भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है, आपका काम तो था प्रिंट कराना ना, काम तो हो गया ना, बस हो जाने दो। ओके सो दिस इज इट कि भाई रिटर्न स्टेटमेंट और मेन क्या कहते हैं। हाँ फंक्शंस मैंने बहुत ही मतलब एक वर्ड यूज किया दो तीन बार, फंक्शंस अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं डिस्कस कर दिया जाएगा, बस एक मिनट के लिए समझ लो कि फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है ना। चलो तो मेन तो अभी समझा दिया। अच्छा हाँ एक और बात, जावा में होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है ना। पब्लिक स्टैटिक क्यों लिखते हैं बाद में डिस्कस कर दिया जाएगा। एक छोटी सी चीज है और, है ना, प्री प्रोसेसर का जो मैंने दूसरा काम बोला था कि वो कमेंट्स रिमूव कर देता है, ये कमेंट क्या होता है। देखो कई बार आप जब कोड लिख रहे हो ना, तो जैसे कि मान लो मैंने लिखा ए प्लस बी, एक बेसिक सा कोड लिखा ए प्लस बी, मतलब ए में मान लो वैल्यू है 5 और बी में मैंने वैल्यू लिखी है 3, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि यहाँ पर देखो, अगर आप एकदम सिंपल सा लिख रहे हो ए प्लस बी, तब तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है ना कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर मेरा कोई कलीग आया, आपका कोई दोस्त आया, तो मान लो आपकी कोड लिख के चले गए बाहर, आप अगर आप लिखे हो ए प्लस बी तो उसको देखिए तो एक बार में समझ में आ जाएगा, और वो आपका कोड देख रहा है उसको एक बार में समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई उसने ए और बी को ऐड किया, ए और बी में कुछ नंबर्स हुए होंगे। बट मान लो आपने यहाँ पे एकदम कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिख दिया, देखो प्रोग्रामिंग अगर आपको मतलब प्रोग्राम को चाहते हो ना कि एकदम देख के लगे ओ शिट ये क्या लिख दिया सामने वाले ने, आप उसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, तरीका होता है, ठीक है ना। सो अगर आप यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिख रहे हो तो सामने वाला तो आपका कोड समझ नहीं पाएगा, आप कैसे समझेगा, है ना। एंड कई केसेस होगा जब आप चाहोगे कि सामने वाला समझे, कई केसेस होगा जब आप चाहो नहीं चाहोगे आप कि सामने वाला आपका केस समझे, ये सब जो भी लिखा हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कलीग है जो आपके संग ऑफिस में काम कर रहा है, आप जरूर चाहोगे कि यार वो समझे, वरना आप लोग टीम वर्क करोगे कैसे। सो अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स कोड यहाँ लिख रहे हो, उसके बगल में से दो फ्रंट स्लैश डालो, एंड उसके बाद ना आप लिख दो कि यहाँ पे कर क्या रहे हो। सपोज मान लो ए प्लस बी एक बहुत कॉम्प्लेक्स काम है जो कि आपके कलीग को नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे लिख दो एडिंग टू वैल्यूज, ठीक है, एडिंग टू वैल्यूज। कैसे लिखते हैं कोडिंग में देखोगे, जब मैं वो वीडियो मतलब कोडिंग वाला वीडियो देखोगे तो और बेटर समझ में आएगा, बट फिलहाल के लिए समझ लो ऐसे दो फ्रंट स्लैश डालो, यहाँ पे आप जो मैं वो लिख दो, होगा क्या आप देखो, आप जब कंपाइलर इस स्टेटमेंट मतलब सपोज कि मान लो ऐसे ऊपर में कुछ कुछ स्टेटमेंट हुई होगी, मेन लिखा हुआ है ना, मेन के अंदर ये लिखा हुआ है सपोज, इसके ऊपर भी मान लो एक आधो स्टेटमेंट हुआ होगा जो कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। जब कंपाइलर इस स्टेटमेंट पे आएगा ना, तो वो यहां से उसको दिखेगा ओ दो फ्रंट स्लैश है, मतलब ये मेरी काम की चीज नहीं है। कंपाइलर को देखना है, कंपाइलर बोलेगा ओके ये मेरा एरिया नहीं है, मुझे यहाँ पे जाना ही नहीं है, तो कंपाइलर इस स्टेटमेंट मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट को नहीं रीड करेगा, सीधा नीचे आ जाएगा, नीचे रीड करेगा वो सी माइनस डी सपोज, ठीक है। सो ये बेसिकली जो कमेंट्स होता है ना, ये हम लोग अपने समझने के लिए, अपने समझाने के लिए लिखते हैं, ठीक है, कि भाई किसी को समझाना है। इसका एक प्रैक्टिकल यूज बताऊं, अगर आप कभी भी कोडिंग कंपटीशन में जाओगे ना, कोडिंग कंपटीशन क्या है मतलब, अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे होगे कोडिंग वगैरह का, जनरली क्या करते हैं वो लोग पता है, मतलब उन लोगों को कोड समझाना है, थोड़ी ना आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, मतलब प्रोग्राम कंप्यूटर में बैठे हो तो फिर क्यों क्वेश्चन पेपर देंगे। तो वो क्या करेंगे पता है, आपको कोडिंग एनवायरमेंट दे दिया जाएगा, आपको सी या सी प्लस प्लस, वो ऐसे कुछ कर देंगे, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे, सपोज आपका क्वेश्चन है एड टू नंबर्स, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, एड टू नंबर्स या स्वैप टू नंबर्स, स्वैप टू नंबर जैसे कि, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे इन सबको कमेंट्स में ऐसे डाल देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि कंपाइलर ना ये स्टेटमेंट रीड ही नहीं करेगा, कंपाइलर देखेगा ही नहीं, समझा, समझ में आया कि कंपाइलर देखेगा वो कमेंट मेरे को नहीं पढ़ना। दो टाइप का कमेंट्स भी होता है, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट जब आपको छोटे छोटे मैसेज डिस्प्ले कराने होता है, ठीक है ना। एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट का मतलब होता है जब आपको बड़ा सा कोई मैसेज डिस्प्ले कराना होता है, जब आप एग्जाम दोगे ना तो फिर वो क्वेश्चन होता है ना जो बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया होता है, पता है, मतलब ऐसे नहीं लिखा रहेगा एड टू नंबर्स, ऐसा लिखा रहेगा यू आर गिवन टू नंबर्स ए एंड बी, यू नीड टू परफॉर्म एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स, एक दो लाइन हो गई ना, तो वो लोग क्या करेंगे इसको मल्टी लाइन कमेंट में लिख देंगे। आप या तो हर लाइन में जाओ ऐसे लिखो तो थोड़ा आधा सा है लिखने में, जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं ना वो महाआलसी होते हैं यार, बात जान लो, मतलब उन लोगों को कोड लिखना पसंद, कोड लिखना है मतलब उनको नंबर लिखने में पसंद नहीं आता, वो लोग सोचेंगे यार चार लाइन का चीज है दो लाइन में कर दो, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे फ्रंट स्लैश डालेंगे, स्टार डालेंगे, जो भी मैसेज यहाँ पे लिखना है लिख देंगे, मैं आलसी हूँ स्वैप करके दे दो तुम मुझे नहीं आता, यहाँ पे एक और बैक स्लैश डालेंगे, सॉरी स्टार डालेंगे और एक बैक स्लैश डाल देंगे, कब जब आपका मान लो यहाँ पर लास्ट मैसेज था उसके बाद आने के बाद ऐसा बैक स्टार फिर बैक स्लैश,
कंपाइलर इतना दूर इतना एरिया पढ़ेगा ही नहीं, समझ में आया। तो ये होता है मल्टी लाइन कमेंट कि भाई जब आपको तीन चार लाइन की चीजें लिखनी है, एक बड़ा सा मैसेज डिस्प्ले कराना है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। कमेंट बहुत काम की चीज है, आप सोचोगे कि मैं अपने लिए क्यों लिखूं, बहुत काम की चीज है। जान लो मैं जब कोडिंग वीडियोस अपलोड करूंगा, मतलब कोड करते हुए आपको दिखेगा। हाँ, सो मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि प्री प्रोसेसर का काम होता है कुछ कमेंट से डील करता है। प्री प्रोसेसर क्या करता पता है, पहले तो फाइल को इंक्लूड करेगा, दूसरा मैक्रोस को इंक्लूड कर देगा, मैक्रोस मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था, तीसरा वो जो भी कमेंट्स है ना सबको रिमूव कर देगा, देख मतलब हटा देगा, क्योंकि काम ही नहीं है, कमेंट कंपाइलर को चेक ही नहीं करना, हटा देगा वो, समझ में आया। सो ये तीसरा काम होता है प्री प्रोसेसर का कि भाई मतलब इट वॉन्ट इंक्लूड कमेंट, मतलब वो ना क्या करेगा, सिंप्लीफाई कर देगा, उसके बाद कंपाइलर के पास कोड भेज देगा कि लो तुम इसको देखो, आराम से देखो, ठीक है ना। ये होता है हमारा, और भी प्री प्रोसेसर का एक दो काम होता है। प्री प्रोसेसर कंपाइलर मिल के क्या करते हैं कि ये तो जो कोड लिख रहे हो तो आप अपनी भाषा में लिख रहे हो, अपनी भाषा मतलब हम लोग कंपाइलर थोड़ी ना सॉरी कंप्यूटर थोड़ी ना ये सब समझता, कंप्यूटर समझता 0-1 की भाषा में। तो कंपाइलर और प्री प्रोसेसर क्या करते हैं कि मिला जुला के उस जो हम भी कोड लिखेंगे, जो भी हम लोग, उसको मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट कर देंगे। मशीन लेवल का मतलब होता है जो 0 और 1 वाली भाषा होती है, समझ में। सो ये होता है हमारा प्री प्रोसेसर, ये था हमारा कमेंट वगैरह को रिमूव करना एंड कमेंट्स के बारे में, एंड दिस इज इट फॉर एंड रिटर्न स्टेटमेंट हम लोगों ने समझ लिया, दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अभी मैं इसके बाद एक छोटा सा और प्री रिक्विजिट का वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगा कि ये ब्रैकेट कब यूज करते हैं, ये सेमी कोलोन कब यूज करते हैं, ठीक है ना। सो टिल देन थैंक यू।